नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है द गिफ्ट ऑफ मजाई, जो कि ओलिवर हेनरी के द्वारा लिखी गई है। द गिफ्ट ऑफ मजाई ओलिवर हेनरी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ओलिवर हेनरी अमेरिका के फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जिनका पेन नेम है विलियम सिडने पॉटर। द गिफ्ट ऑफ मजाई सबसे पहली बार अपीयर्ड हुई थी द न्यूयॉर्क संडे वर्ल्ड में December 10, 1905 को। बाद में ये पब्लिश्ड हुई थी ओलिवर हेनरीज़ के कलेक्शन में द 4 मिलियन ऑन में April 10, 1906 में। द गिफ्ट ऑफ मजाई कहानी है यंग मैरिड कपल की, जेम्स और उसकी वाइफ डेला डलिंगम की। इस दंपति के पास बहुत कम पैसे हैं और ये एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। इस कपल के पास सिर्फ 2 संपत्तियां हैं। पहला, जिम के पास है गोल्ड पॉकेट वॉच, जो पहले उसके पिता की थी और उससे पहले उसके दादाजी की थी, और डेला के पास है उसके लंबे काले घुटनों तक बाल। बात क्रिसमस के दिन की है। डेला जिम को कोई उपहार देना चाहती है क्रिसमस के त्यौहार पर, तो वो अपने सारे बिल्स वगैरह पे कर देती है और फिर लास्ट में देखती है कि उसके पास कितने रुपीज़ बचे हुए हैं। तो डेला के पास बचते हैं $1.87। तो वो सोचती है कि इतने पैसों से वो जिम के लिए कोई क्रिसमस प्रेजेंट ले। अब डेला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो जिम को एज ए गिफ्ट क्या दे। दिसंबर का महीना है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जो डेला है वो जिम के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाती है शॉपिंग पर। डेला सोचने लगती है कि उसे जिम को एज ए गिफ्ट क्या देना चाहिए। तो उसे लगता है कि उसको चेन देनी चाहिए उसकी पॉकेट वॉच के लिए। डेला जितनी भी चेन देखती है उसकी पॉकेट वॉच के लिए, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो उसे समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे खरीदे। तो सामने एक शीशा लगा होता है, डेला उस शीशे की तरफ देखती है और अपने आप को देखती है कि उसके पास बहुत लंबे लंबे बाल हैं। तो उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना वो अपने बालों को ही कटवा दे और अपने बालों को बेच दे। फिर डेला अपने बालों को कटवा देती है और उनको बेच देती है। डेला अपने बालों को बेच देती है $20 में, और उसे लगता है कि अब इतने पैसों से वो एक प्लैटिनम की चेन ले लेगी, जिसकी कॉस्ट $21 है। बाद में जिम काम से घर लौटता है तो वह देखता है कि जो डेला है वो बिल्कुल अलग दिख रही होती है। तो जिम डेला से पूछता है कि वो आज अलग क्यों दिख रही है। तो डेला उसे बता देती है कि उसने अपने लंबे बाल बेच दिए हैं ताकि वह उसके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट ले सके। डेला जिम को वो उपहार देती, उससे पहले ही जिम अपने ओवरकोट के पॉकेट से एक पैकेज निकालता है और उसे डेला को दे देता है। डेला उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसमें 2 कॉम्ब्स होते हैं। वो वैसी ही कॉम्ब्स होती हैं जैसी वो कॉम्ब चाहती थी। ये गिफ्ट डेला के लिए यूज़लेस था क्योंकि अब उसके पास उसके लंबे बाल नहीं थे। डेला की आंखों में आंसू आ चुके थे उस गिफ्ट को देखकर, तो उसने अपने आंसुओं को छुपाकर जिम को वो गिफ्ट दिया, गोल्ड चेन जो उसने उसके लिए लिया था। लेकिन जिम अपने हाथों को पीछे छुपा लेता है और डेला को सारी सच्चाई बता देता है कि उसने अपनी गोल्ड वॉच बेच दी है ताकि वो डेला के लिए ये ब्यूटीफुल कॉम्ब ले सके। तो यहीं पर कहानी समाप्त होती है उपहारों के साथ उपहारों की तुलना करते हुए। कहानी के अंत में नैरेटर बताता है कि जिम और डेला मजाई से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि उनका जो उपहार है वो एक दूसरे के लिए उनका प्यार ही है। तो द गिफ्ट ऑफ मजाई का जो मॉरल मैसेज है वो यही है कि निस्वार्थ और प्यार ही सबसे बड़ा उपहार होता है, जो कि इस कहानी में हमें देखने को मिला। हमने देखा कि जिम और डेला एक दूसरे से प्यार करते थे, वो भी बिल्कुल निस्वार्थ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।